Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing neural control in human beings. Today, I am going to discuss a very important topic, that is the generation and connection of nerve impulse. The topic is generation and connection of nerve impulse. आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है और कैसे कंडक्ट होती है, कैसे वो न्यूरल सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट्स पे मूव करती है। इससे पहले कि हम इस चीज को समझें, हमें पता तो हो कि व्हाट इज नर्व इंपल्स एंड व्हाट इज इंपल्स। आई कैन से व्हाट इज एन इंपल्स, इंपल्स होती क्या है। सी, देर आर टू टू थ्री टर्म्स, दो और तीन टर्म्स हैं जो आपको क्लियर करना है। पहली टर्म्स में आपके साथ जो टर्म क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज स्टिमुलस। वन इज स्टिमुलस, व्हाट इज स्टिमुलस। देखिए स्टिमुलस होता क्या है बेटा, मैं नर्व इंपल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। हम लोग अभी इस डिस्कशन में हैं। आई एम सेइंग सम वर्ड्स, दीज वर्ड्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। ये जो वर्ड्स है वो साउंड वेव्स के रूप में है और ये साउंड वेव आपके ईयर ड्रम को हिट करती हैं और वहां पे वाइब्रेशन जनरेट होती है जो मिडल ईयर की बोन्स के द्वारा इंटरनल ईयर तक, कॉकिलिया तक पहुंचाई जाती हैं और कॉकिलिया से फिर वो ऑडिटरी नर्व जो हमारे ब्रेन से ब्रेन को कनेक्ट करती है, इंटरनल ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करती है, उस ऑडिटरी नर्व के द्वारा एक वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस और आई कैन से वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस। अभी आप इस चीज को समझेंगे। एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस जो है वो पास होती है और वो मैसेजेस आप तक जाते हैं। मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूंगा कि बेटा मैं यहां पे एक लेटर इंग्लिश का लिख रहा हूं। आज प्लस वन और प्लस टू की क्लास में आपको पता है कि दिस इज द लेटर ए। आपने कभी सोचा कि आप इसको कैसे समझ पाए? आज ए ए है, व्हाई नॉट दिस लेटर इज ए। ये लेटर ए नहीं है, दिस लेटर इज ए। ये संभव हो पाया आपके प्राइमरी टीचर के द्वारा, क्योंकि आपके प्राइमरी टीचर ने, जब तो आप बचपन में थे आपको किसी लेटर की नॉलेज ही नहीं थी, तब आपके प्राइमरी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा ए और जो मुंह से बोला वो भी था ए। अगर गलती से इस लेटर को प्राइमरी टीचर ए लिखते, ऐसे लिखते कि बच्चों ए है बी, तो क्या होना था आपके पास आज तक जो नॉलेज होना था वो होना था कि ये तो बी है। लेकिन टीचर ने क्या कहा, लिखा ए लेटर लिखा, आपकी आईज ने इसे परसीव किया, पढ़ा और ऑप्टिक नर्व के द्वारा जब आप इस वर्ड को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप इस वर्ड को देखते हैं तो हर बार क्या होता है, आपकी आईज इसका जैसे फोटो कैच कर रही हो और जो फोटो है वो एक स्टिमुलस के रूप में काम करता है और ऑप्टिक नर्व पे एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस, इलेक्ट्रिकल मैसेज की तरह एक वेव जनरेट होती है और वो आपके ब्रेन में चली जाती है। और बचपन में भी यही हुआ था बेटा, बचपन में भी यही हुआ था, जब टीचर ने आपने लिखा तो आपकी आईज ने उसे रिसीव किया, परसीव किया और उस स्टिमुलस को परसीव किया और आपकी ऑप्टिक नर्व पे एक स्पेसिफिक वोल्टेज डिफरेंस का एक मैसेज, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हुई और वो आपके ब्रेन में चली गई। उतने में
जब लिखा गया तो टीचर ने बोला बच्चों ए है, लिख भी रहे थे और बोल भी रहे थे ए। आंखों ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जनरेट किया वो आपके ब्रेन में चला गया, उतने में आपके ईयर ड्रम में एक स्पेसिफिक साउंड वेव जाती है, वो हिट करती है और वो कहते हैं ए। तो क्या चला गया? ए। ईयर ड्रम से इंटरनल ईयर पे और ऑडिटरी नर्व के द्वारा, ऑडिटरी नर्व पे एक इतनी इलेक्ट्रोकेमिकल जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट होती है स्पेसिफिक वोल्टेज की। आंखों ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेसिफिक वोल्टेज की इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस जनरेट की, या मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, और जो कानों ने जनरेट किया वो दोनों एसोसिएट हो गए। और अब जब कभी भी आप सुनेंगे भी आपको कहा जाता है कि राइट डाउन ए, तो आप लिख देते हैं ए। ऐसा ही लेटर बी के लिए, ऐसा ही सी के लिए। ओके, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो मैं बोल रहा हूं कि जो आपकी आंखें देख रही हैं, जो आपके कान सुन रहे हैं, ओके, तो ये जो साउंड वेव्स है या जो इमेज कैप्चर की आईज ने, दीज आर बेसिकली द स्टिमुलस। ये बेसिकली स्टिमुलस है। स्टिमुलस कुछ भी नहीं होता है, एनी ऑब्जेक्ट, एनी केमिकल, एनी फैक्टर, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी फैक्टर जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस जनरेट करे उसे स्टिमुलस कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस, विच इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, मैं अभी डिस्कस करूंगा, उसे इंपल्स कहा जाता है। ओके, तो सी स्टिमुलस इट इज एनी फोर्स any object, I can write over here, any object or chemical or any force or any substance which can cause electrochemical disturbance, which can cause electrochemical disturbance, that is can generate what? पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड स्टिमुलस। ये स्टिमुलस होता है। और एक और रूल मैं आपको बता दूं, इफ देयर इज एन स्टिमुलस देयर मस्ट बी एंड रिस्पॉन्स। अगर कहीं पे कोई स्टिमुलस होगा तो उस स्टिमुलस के बदले में वहां पे एक रिस्पॉन्स होगा ही होगा। फॉर एवरी स्टिमुलस देयर विल बी अ रिस्पॉन्स। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स है वो किस रूप में है? वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस के रूप में है, इसे इंपल्स कहा जाता है। अब मैं आपके साथ दूसरी टर्म डिस्कस करूंगा और वो है इंपल्स। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम बात तो नर्व इंपल्स की कर रहे हैं, लेकिन मैं इंपल्स और अलग अलग तरह के इंपल्सिस भी आपको बताऊंगा। सेकंड टर्म इज इंपल्स। देखिए बेटा, जो हमने देखा वो जो पिक्चर थी वो एक स्टिमुलस के रूप में हमें वर्क करती है, या जो वर्ड्स, जो लेटर्स मैं बोल रहा हूं, जो वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, they behave as an
स्टिमुलस फॉर यू, सॉरी, जैसा मैंने बोला कि हर एक स्टिमुलस के लिए एक रिस्पॉन्स होता है, और वो रिस्पॉन्स यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, जिसे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में है, वोल्टेज डिफरेंस के रूप में है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल का नाम देंगे, अभी मैं समझाऊंगा आपको, उसे इंपल्स कहा गया। तो इंपल्स एक रिस्पॉन्स है बेसिकली, इट इज नथिंग, इंपल्स इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, बोलो बेटा, द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, एंड विच इज कैरिड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, अब मैं नैनो इंपल्स को डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। वैसे तो इंपल्स की डेफिनेशन तो इतनी है, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, यहां तक तो इंपल्स है, पर इंपल्सिस अलग अलग तरह की होती हैं। अगर वो इंपल्स जनरेट हुई है नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पे और वो मूव कर रही है नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स पे, तो वो नर्व इंपल्स होगा। इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, अगर मैं नर्व इंपल्स कहूंगा तो नर्व इंपल्स होगा, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड विच इज कैरिड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर वो नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स में मूव कर रही है तो वो नर्व इंपल्स है। ये जो आप साउंड वेव को सुन पा रहे हैं, ये जो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी फूड को स्मेल कर पा रहे हैं, आप किसी चीज को टेस्ट कर पा रहे हैं, आपने टेस्ट किया, जो आपके ऑल्फैक्टरी सॉरी जो आपके टेस्टिंग बड्स हैं वहां पे भी नर्व अटैच होती है और वो भी मैसेज को ब्रेन पे ले जाएगी। किस रूप में ले जाती है, कोई चीनी जो है जो शुगर है वो शुगर के रूप में नहीं गई ब्रेन में, वहां तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस क्रिएट हुआ बेटा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस क्या होता है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब अगर यही जो ये जो स्टिमुलस है, जब मान लीजिए स्टिमुलस किसी पर्टिकुलर कार्डियक सेल पे जब एक्ट हो रहा है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस है वो जो हार्ट की जो कार्डियक टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, उन पे अगर वो मूव करेगा और जनरेट होगा तो इस इंपल्स का क्या नाम होगा बेटा, कार्डियक इंपल्स। समझ रहे हो आप, कार्डियक इंपल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड विच इज कैरिड ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम। आपने नोडल एनाटॉमी पढ़ी है, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफिस, बंडल ब्रांचेस, प्रकिंजे फाइबर्स, वो क्या था, एसए नोड विल जनरेट एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज डिफरेंस विच इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, वहां पे पढ़ा था हमने हार्ट के केस में। तो यहां पे हम न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे तो वो नर्व इंपल्स हो जाएगा, जब नर्वस सिस्टम की बात नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नर्व इंपल्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट देयर इज एन स्टिमुलस एंड देयर इज एन व्हाट इंपल्स। ऐसे ही बेटा मसल जैसे हम वर्क कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं तो माई थॉट्स दे आर वर्किंग एज एन स्टिमुलस, मेरे थॉट्स जो है, जो विचार है, जो मेरे दिमाग में है, मन में है, मैं क्या बोलना चाहता हूं,
वो एक स्टिमुलस के रूप में काम कर रहे हैं एंड देयर इज द जनरेशन ऑफ एन इंपल्स, ठीक है, और वो मूव कर रही है न्यूरॉन्स के द्वारा मेरे जो फेशियल मसल्स हैं, और उसके द्वारा जो फोनेटिक ड्रिल हो रही है मेरे माउथ में, अलग अलग उच्चारण स्थान वर्क कर रहे हैं। आप देखते हैं अलग अलग वर्ड्स के लिए कभी जीभ का रूप, कभी टंग ज्यादा वर्क करती है, कभी लिप्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे जो अलग अलग से मसल्स, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बॉडी मूव कर रहा हूं, ये इंपल्स मस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट सिंपल आर डिस्कशन इज ऑन द नर्व इंपल्स, तो मैं आपको नर्व इंपल्स को डिफाइन कर रहा हूं। ओवरऑल आई डिस्कस विद यू द व्हाट इज एन इंपल्स एंड व्हाट इज एन स्टिमुलस। इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस एंड विच इज कैरिड ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द नर्व इंपल्स। एंड द नर्व इंपल्स कैन बी जनरेटेड फॉर एन वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलस, अलग अलग तरह के जो स्टिमुलस हैं उनके लिए अलग अलग जो नर्व इंपल्स है वो जनरेट होगी। नर्व इंपल्स के जो डिफेंस है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंट नर्व इंपल्सेस, इट लाइज इन वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने वर्ड प्रोनाउंस किया ए तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नर्व इंपल्स होगा, अगर मैंने प्रोनाउंस किया बी तो उसके लिए एक स्पेसिफिक और अलग से एक नर्व इंपल्स होगा, अगर बेटा मैंने सी प्रोनाउंस किया तो उसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक नर्व इंपल्स होता है या जनरेट होगा। लग रहा है नहीं पता आपको? सो जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में जो पहली डिस्कशन थी उसमें मैंने आज दो टर्म्स आपके साथ डिस्कस की, वो थी कौन सी, स्टिमुलस एंड इंपल्स और द नर्व इंपल्स। उम्मीद है आपको पता होगा। फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, काइंडली subscribe my YouTube channel biology at fingertips with vijay and press the bell icon for the more videos. Thank you.